हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ लग्न की कुंडली के विषय में। अगर आपकी वृषभ लग्न की कुंडली है तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहें, क्योंकि कल हमने अपने जो एपिसोड था उसमें, कल के भाग में हमने राहु की महादशा के विषय में चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे गुरु की महादशा के विषय में। अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है तो बाकी इस गुरु की महादशा में अंतरदशा में आने वाले ग्रह किस तरह के शुभ या अशुभ फल देंगे, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। तो आप, हम अपनी चर्चा को आरंभ करें उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन करूं कि प्लीज लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता फ्रेंड्स, और हमें जरूर थोड़ी सी सम्मान मिलती है, क्योंकि सम्मान की बात इसलिए होती है कि हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं। तो आप इतना सा तो हमें सम्मान दे ही सकते हैं, बदले में आप यहाँ से विशुद्ध वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम अपनी चर्चा को आरंभ करें। तो मित्रों, अगर हम बात करें कि वृषभ लग्न की कुंडली में, क्योंकि इसमें लग्नेश शुक्र होता है और गुरु जो होता है उस वो इस लग्न कुंडली में अष्टमेश और एकादशेश होता है, ठीक है, आठवें और ग्यारहवें घर का मालिक होता है। ऐसे में ये गुरु अपनी महादशा के अपने ही अंतरदशा में आवे तो बिल्कुल कष्टदायक सिद्ध होता है। इसका टाइम, इसका समय जो होता है, इसकी अंतरदशा जो होती है, अंतरदशा का जो काल होता है वो बिल्कुल कष्टप्रद होता है, कष्टदायक होता है। तो ऐसे में जातक को गुरु की महादशा में, गुरु की अंतरदशा में अगर वो चाहे तो शिव की उपासना करे, या फिर गुरु को ठीक करने के लिए हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे उपाय हमने बता रखे हैं, वहाँ जाकर के आप देख करके और उसका उपाय कर सकते हैं। शनि की अगर बात करें हम, तो वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु की महादशा यदि चल रही हो तो ऐसे गुरु की महादशा में अगर शनि की अंतरदशा आए तो निश्चित रूप से धन लाभ करवाती है, ठीक है। ग्यारहवें बारहवें घर का मालिक होता है शनि, तो ये सूर्य अगर हम गुरु से बात करें तो धनेश भी हो जाता है और यहाँ पे इनकमेश भी हो जाता है। तो ऐसा गुरु जो है वो गुरु की अंतरदशा में, शनि जो है गुरु की महादशा में, शनि की अंतरदशा काफ़ी धन लाभ करवाने वाली हो जाती है। बुध भी शुभ फलदायी होता है और केतु भी शुभ फल देता है, ठीक है। अगर हम शुक्र की बात करें तो ये शुक्र भी श्रेष्ठ, अत्यंत श्रेष्ठ और अनुकूल फल देता है। सूर्य की उत्तरार्ध दशा जरूर चिंताजनक होती है, लेकिन पूर्वार्ध दशा ठीक ठाक ही चलती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आपके वृषभ लग्न की कुंडली और आपके ऊपर गुरु की महादशा चल रही है और अंतरदशा में चंद्रमा आए तो बिल्कुल अनुकूल और राज्य वृद्धि करवाने वाला काफी उन्नतिदायक समय लेकर के आता है। मंगल भी श्रेष्ठतम समय लेकर के आता है। राहु की अंतरदशा जो होती है वो सामान्य ही जाती है, कुछ शुभ या अशुभ नहीं घटता है, ठीक है। तो चलिए आज का प्रसंग इतना ही। कल हम शनि की अंतरदशा के विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे, शनि की महादशा में बाकी सारे ग्रहों की अंतरदशाओं का शुभ अशुभ फल, जिसके विषय में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड न्यू अपडेट वीडियोज एंड क्लिक बेल आइकन, क्योंकि इसमें आपका कोई खर्च नहीं लगता, बल्कि आपको अगर आपकी कुंडली के ऊपर जानना है कुछ तो किसी भी वीडियो को प्ले करके और उसके कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रश्न और अपना अपने जन्म का विवरण, बर्थ डिटेल्स लिखें और स्पष्ट रूप से लिखें, मैं आपको मुफ्त में बिल्कुल बतला दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।